नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल के महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने की या न्यूज़ पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर एक, वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक प्रजनन दर 1950 की तुलना में लगभग आधी हो गई है। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर 4.7 थी, जबकि 2017 में यह घटकर 2.4 रह गई है। प्रजनन दर 15 वर्ष की प्रति हजार महिलाओं पर हर साल जीवित जन्मों की संख्या है। अध्ययन के अनुसार इस सदी के अंत तक प्रजनन दर घटकर 1.7 हो जाएगी। 2.1 की प्रजनन दर को सबसे आदर्श माना जाता है। 2.1 पर किसी देश में जन्म और मृत्यु की संख्या बराबर होती है। प्रजनन दर में गिरावट एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब वृद्ध आबादी में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक गिरते हुए कार्यबल में बदल जाएगी। नंबर दो, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए इस्तीफा देने की तैयारी शुरू की। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए अपने पद से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। अशोक लवासा भारत के 3 चुनाव आयुक्तों में से एक हैं। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दी गई हैं। चुनाव आयोग में 3 आयुक्त होते हैं। श्री अशोक लवासा उनमें से एक थे। अन्य 2 हैं, श्री सुनील अरोड़ा और श्री सुशील चंद्रा। नंबर 3, भारतीय रेलवे सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच बना रही है। कोविड-19 के खिलाफ निर्मम लड़ाई को जारी रखते हुए भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक कोविड कोच विकसित किया है। इस कोविड कोच में डिज़ाइन सुधार किए गए हैं। कोच में हैंड फ्री सुविधाएँ, कॉपर कोटेड हैंडरेल और लैचेस, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन और कोविड मुक्त यात्री यात्रा के लिए टाइटेनियम डीऑक्साइड कोटिंग की गई है। नंबर 4, रिलायंस की 5G चाल। जियो में 37,737 करोड़ का निवेश करने के लिए गूगल तैयार। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि उनके समूह की डिजिटल शाखा जियो एक घरेलू विकसित 5G दूर संचार समाधान विकसित कर रही है। जियो ने स्क्रैच से पूर्ण 5G समाधान को डिज़ाइन और विकसित किया है। 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही यह ट्रायल के लिए उपलब्ध होगा और अगले साल फील्ड तैनाती के लिए तैयार हो सकता है। अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक में कहा। इस बीच गूगल ने कहा है कि वह जियो प्लेटफॉर्म में 37,737 करोड़ का निवेश कर रहा है, जो 7.7% हिस्सेदारी के लिए है। अप्रैल से लेकर अब तक जियो में 1.52 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। इसमें गूगल, फेसबुक और इंटेल जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। दोस्तों, अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि भारत की वर्तमान प्रजनन दर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 2.2, 2.3, 2.4 या 2.5। दोस्तों, आप हमें जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। कल हमने पूछा था कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ओमान की खाड़ी में। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।